चरण ताम पर सके हाथ चरण गुरु अमर कुबल रे हाथ ताम पर सके हाथ हाथ लुगे गुरु अमर पै जिहि ताम पर सके हाथ जिहि गुरु अमर पणी जय नैन ताम पर सके हाथ नैन गुरु अमर पखी जय सरवण ताम पर सके हाथ सरवण गुरु अमर सुनी जय सख्यात सो हियो जित हियो बसै गुर अमरदास निज जगत पेत सख्यात सो सिर जाल पपणे जो सिर निवै गुर अमर नित उमरी महिमा अपर अपारा जा का लहो न किन हूं पारा देव देव राजन के राजा दीन दयाल गरीब निवाज कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारे वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी सो कहो टल गुरु सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्ले ना पाए ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुड़ना तृष्णा लग आए एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिस आए कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिस आए कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास न जाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सत्कार योग गुरु साहिब जी दे साजी निवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग जीओ आपां सारे इस समय सतगुरां दी पावन हजूरी विच स्थित हाँ दसो पातशाहियां की आत्मिक जोत गुर तक दी सवाईमान चवर शतर तख दे मालक शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र हजूरी कथा कीर्तन दा रस बनिया होया आनंद बनिया होया तो आओ मन बिरतियां एकागर करो सतगुरां दी पावन अमृतमई बाणी जो लड़ीवार कथा चल रही है धन श्री गुरु अमरदास महाराज पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाणी जिन्होंने पावन अमृत बाणी अपनी रसना तो उच्चारण कीती है इहदी सारी उथान काव जी ने शुरू विच सुन ली बार बार कहने की लोड़ नहीं सो जिस प्रकार सतगुरु जी हुण अपने शरीर के जड़े ज्ञान इंद्र ते उन्होंने संबोधन करके महाराज साहब जी शरीर नूं संबोधन करके बखरे बखरे शब्दों से उपदेश दिता है हुण आप जी रसना तो विचार अज की कथा
रम कर दिया जिस प्रकार विचार आ रही है सुनो जे। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, ए रसना तू अनरस राच रहे, तेरी प्यास न जाए। महाराज साहेब जी फरमान कर देना कि हे रसना, ये उपदेश दें दे है। रसना भी ऐसे नूं कहिंदे आ, भाई जीभ भी ऐसे नूं कहिंदे। असल दे विच इंद्रा है जिहदी गिणती कर्म इंद्रियां दे विच भी आउंदी है, और इहदी गिणती ज्ञान इंद्रियां दे विच भी आउंदी। ज्ञान इंद्रियां दे विच तां जदों इह खट्टा मिठा सलूणा जीभ दसदी है ना कि चीज़ सलूणी है, खट्टी है, मिठी है, जदों ये ज्ञान देंदी है उदों इहदा नाम ज्ञान इंद्र है। ये जिस वेले किसी नूं कोई शब्द बोलती है उस वेले ज्ञान इंद्रा नहीं रहिंदा, फिर यह कर्म इंद्रा बन जाता। जीव उही है, उहनूं इस करके जीव भी कहिंदे आ, रसना भी कहिंदे। रसा नूं चखण करके तां होई रसना, बोलण करके होई जीव, बोलण करके कर्म बणदा है, रस चखण करके ये ज्ञान इंद्रा बनता। तो महाराज साहब ने इतने संबोधन किया, ये रसना तू अनरस राच रही, अद्धी दी तू कह लैणी है। हे रसना, ए और हे दा संबंध है, ये संबोधक शब्द है जी है। ए दा अर्थ हे बन जाएगा, हे रसना, रसा नूं चखण वाली, खट्टे मीठे दसण वाली, तू संसार दे अन्न नाम होर दा हुंदा। ये संसार दे जिहड़े रस ना उहनां नूं तां चख रही है, ये जीव है जिहड़ी इसने स्वाद लैणा हुंदा। खाणा खाण वेले कहिंदे आ भई जी आह चीज़ स्वाद नहीं है खाणा, मैं नहीं खाणा। कदी ये नहीं सोचिया भी खाना स्वाद वास्ते नहीं हुंदा, खाना इस करके हुंदा है भी इस खाने द्वारा अगे चल के मेदे दे विच जा के उन्हें खून पैदा करना है। खून साड़ी नित दी इस चमड़े दी गड्डी दा तेल है, ये भी वह ना कट जाए। पर मनुख नूं आदत पै गई, खाना वह है जो जीव कहिंदी है, मेदे दी कदे सार नहीं लैणी। बहुत सारिया चीज़ा ऐसा ने जीव स्वाद लैके मेदे की पट्टी मेस कर दें, शरीर का सत्यानाश हो जाता वो। इस करके फिर कहा बाबा होर खाना खुशी खुआ, जित खाधे तन पीड़िया मन में चले विकार, ऐसा खाना ना। तो इस करके है ये रसना तो अनरस राच रहे, रचना होंगे वो खचत होना, खट्टे मिठे स्वादां दे विच तू रची हुई है। इस करके ये रसना तू अंदरस राच रही, ये तू घाटे वाला सौदा कर रही है, तेरी प्यास ना जाए। ये हुण याद रखी भी तेरी खाण पीण दी तृष्णा कदे प्यास बुझणी नहीं। खांदी जीव ना रजिया, ये खाण करके स्वाद लैण करके जीव नूं कदे रज नहीं आउंदा। अज एक चीज स्वाद लगती है उहनूं छड के कहो भी आ जी मिठा खाओ, मिठे दा स्वाद लै, कहिंदे नहीं सलूणा चाहीदा, सलूणा खा लिओ, फिर कहिंदी भी नहीं मिठा चाहीदा। इहदे पिछे लग के जिंदगी ना बर्बाद करो। ये इंद्रियां दे स्वाद जां इहों कहो इंद्रियां द्वारा, ये इंद्रियां दा मालक अंदर बैठा आनंद लै। ये ओही न पांच करसाना भाग गए जीओ बंधे हो लै दरबारी, इन्होंने दौड़ जाने ते फसना तू है। ये रसना तू अंदर सराच रही, तेरी प्यास न जाए, ते खाण पीण दी तृष्णा रूपी प्यास ने तेरी बुझनी। एक जगह सतगुरु महाराज साहब ने पावन बचन कहे न कि जड़ी जीव है रस लेंदी है,
रारा रास निरास कर जाने हैं, कोई निरास सो रस पहचाने। जिन्नी देर तक तू ये रस नहीं छड़ रहा उन्नी देर तक नाम दे रस दी इच्छा ना कर, तू गलती ते है। कुछ पाउण वास्ते कुछ त्यागना जरूरत है। जे नाम का स्वाद लेना तो इस संसार के स्वाद तेन छड़ने पैण, ये तो पक्की गल है। इस करके रसना तो अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। जिस वास्ते तेन शरीर दे विच लाया से, तुलसी जी ने बड़ी सोहनी बात कही है, रामायण दे विच प्रसंग हुंदा है। तुलसी रसना तौपली, तुलसी रसना तौपली, जो मुख कही है राम, नहीं ता काटन योग है मुख में भला ना चाम। ए चम चंगा नहीं फिर मुंह दे। गुरु महाराज साहब ने कहा की कहा है, रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटी है, हरिहां जा बिसदै गोबिंद राय दिनों दिन कटी है। ये नामदेव जी का तजर्बा जिंदगी का, वह की कहते हैं, रे जेबे करो सतखंड तेरे टुकड़े ना कर दें निके निके। जे संस्कृत का पद लीए तो 100 टुकड़े हो गए, जे पंजाबी का लीए तो 7 टुकड़े कि थोड़े नजीब दे। रे जेबे करो सतखंड बढ़ ना दया तेन जाम ना उचना श्री गोबिंद। हुण सारन सी कोई 100 सियाणिया एक मत मूर्खा अपवाह। रामायण च भी उही गल कही गई, नामदेव जी ने उही कही, गुरु अर्जन देव जी ने उही, क्योंकि सच्चाई वास्ते शब्द वखरे हो सकते ने, सच्चाई एक होंदी है। सच्चाई है ये रसना तू अंदरस रात्री, तेरी प्यास ना जाए, तेरी प्यास ये जाने नहीं, तृष्णा बुझनी नहीं है। प्यास ना जाए होरत किता, होरत किता और किते भी पदार्थ जिन्ने मर्जी खा, तेरी जड़ी प्यास है चाहत है ये बुझेगी। प्यास की होंगी है चाहत, लोड ये नहीं बुझनी, ये तेन लगी रहेगी। जिचर हर रस पल्ले ना पाए, जिन्नी देर तक हरी परमेश्वर दे नाम रस नू बुद्ध रूप पल्ले दे विच नहीं पाए। पला केड़ा है? बुद्ध रूप पला है, ओदे विच नहीं पाए। तो इस करके महाराज साहब जी ने जो पावन बचन कहे है ना, रा रा रस निरस कर जाने हैं, होए निरस सो रस पहचाने हैं। अगे की कहें महाराज, ये रस छाड़े रौला तो इत है। असि कहने भी आ रस मना छड़ी ते नाम का भी आ जाए, होर रौला कितने है जिंदगी पर? यही तो झगड़ा रहना मन के नाल, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत। मन कहिंदा दोने काम करने, ते अंदर एक ख्याल बैठा होया भी होमे भी छड़ने नहीं, भी नाम जपना चाहते, दो गल कि हो जाते होमे नावे नाल विरोध। पर असी कहने अंधेरे चानन नूं कट्ठा रखना भी साडा अंधेरे बिना भी नहीं सरदा, चानने बिना भी नहीं सरदा। मारे कहते ने एक गल हो जा, अंधेरे च रहेगा जा चानने च रहेगा, एक पास हो जा। दुनिया के रस लै 84 लाख जोन च आई कम करता रहा, इतने भी करी जा, इतने कुछ होर रस लैण दे लई आया। उस रस दे लैण दी कीमत तेनू अदा करनी पैनी है, उहदी कीमत ही रस छड़ने ना। इस करके ये रस छड़ा है वो रस, जिन्नी देर तक रारा रस निरस कर जाने हो, ये निरस वो रस पहचाने, ये रस छड़े वो रस आवा, ये छड़ दे वो आ जाएगा। बुलाने की लोड़ नहीं, छड़न की लोड़ है, होमे नू त्यागन की लोड़ है, रब नू आवाजा मारन की लोड़ नहीं, रब खुद चल के आएगा। जिथे धरती नीवी हो जाती है, पानी नू आवाजा नहीं मारनी पैंदियां,
पानी खुद लभदा फिरदा किथे कि नहीं जाके टिक जाता है, टिकदा उत्थे जिथे नहीं जिथे हंगता चली गई और निम्रता आ गई। पानी ते नाम दा सुभाव ही है, परमात्मा दा सुभाव ही है। जिवें नीवे तल ते पानी टिकदा है, परमात्मा नीवे हिरदे दे विच आके टिकदा है, जिथे होमे उत्थे नहीं। इह रस छड्डे ओह रस आ, ओह रस पिया इह रस नहीं। देखो फरीद की कहानी तुसीं सैकड़े बार सुनो, मां नूं चाहिया मेरा पुत बंद की करे, उन्हें अपने पुत नूं तैयार किया, निकल जा बच्चा है। वह कहिंदा मां खुदा हुंदा कौन, कहिंदी सारी कायनात का मालिक। अच्छा फिर जे उहदा नाम जपी बंदगी की मंदा है, बच्चे नूं तां लालच है। कहिंदी पुत खाण नूं बहुत वधिया वधिया चीज़ां जिहड़ियां मैं भी नहीं तैनूं दिंदी, उह देख। मां नूं पता हुंदा पुत दी कमजोरी दा। फरीद नूं मिठा बड़ा पसंद सी, जन्म तो कोई बच्चा ना मिठा पसंद हुंदा, कईआं नूं सलूणा है, मिठा बड़ा पसंद सी। ते फरीद आ मसुला है तेनूं बछा दित्ता है, पर एक है भी जिन्नी देर तक बंदगी दा समां जिहड़ा निश्चित कर दित्ता भी उन्नी देर अखां नहीं खोलणियां। जे अखां खोलियां खुदा ने नहीं आउणा, कोई वस्तु लैके आऊगा तेरे वास्ते। उन्हें कहा ठीक है माँ, अखां बंद करके हिरदा शुद्ध सी, जपदा रहा जपदा रहा। जदों समा आया माँ ने थोड़ी जी कौली दी शक्कर रख दी मसले दे हेठ, ते आप कम करन लग गई। माँ हाँ पुत्र, मैं बंदगी कर ली, खुदा आया सी कदी, हाँ पुत्र आया सी, मैं तो कम कर दी सी, पर तेरे आसन दे हेठां कुछ रखदा वेख्या मैं। उह जा चक्या, हुण माँ ने कौली रखी सी, उह देखिया, कहिंदा हाँ माँ खुदा मेरे लिए शक्कर लैके आया। कहिंदी पुत खा ले। अगले दिन थोड़ा जा बदला देता, खंड रख दिता, फिर एक दिन गुड़ रख दिता, बदला चाहुंदा बंदा, ते एक दिन शहद रख दिता, बच्चे अज शहद रखे। ते एक दिन फिर काढ़िया हुआ दुध रख, मझ का दुध जिहड़ा उहदे मिठास ज्यादा, काढ़िया होया होर भी ज्यादा स्वाद बन जाता है। तां बदलती गई मां, ते एक दिन ऐसा होया, इंसान भुलण हार है, मां किसी काम च रुझ गई, वह मसले दे हेठां कुछ ना रखिया। खुदा ने सोचिया यह नवा नवा बच्चा मेरी बंदगी करन लगे है, मां भुल गई, ते जे अज कुछ ना रखिया ये तो नहीं कल नूं बंदगी करूगा। खुदा आया, उन्हें आके पदार्थ खुदा ने सची मिची मसले हेठ रख दिया। हुण किथे संसार दी शक्कर गुड़ पैदा कीती होई, शहद संसार दा पैदा कीता होया, ते दुध संसार दे विच पैदा होया, ते किथे रूहानियत, बड़ा फर्क है। रब दे हत्थां दी बख्शिश जदों मूँह विच पाया, उस वेले बरती एकागर हो के पता चल गया, खुदा नजर आउण लग गया, ते मां संसे विच पै गए। मेरे पुत्र दे बंदगी करन दे विच अज विघन पै गया, ते मां पुत्र वल वेखदी है, पुत्र मां वल वेखदा। मां की वेखदी है, कहिंदी पुत्र अज खुदा ने कुछ रखिया नहीं है। कहिंदे मां खुदा तां पहलां भी नहीं सी रखदा रहा, पहलां भी मेरी मां ही, चलो खुदा ही आ, तू तू रखदी रही है, पर मैं तैनूं दसदा भी तू भुल सकदी आ, खुदा नहीं भुल सकदा। अज सची मिची खुदा ने रख दिता। अर जो खुदा दे हत्थां दा स्वाद आया खाण दा, मां तेरे हत्थां दा नहीं, संसार दे पदार्थां चों रस नहीं, जिहड़ा रब दे ओह रस रूप है, उहदे पदार्थ भी रस रूप, उहदी बख्शिश। खरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माख्यो मझा दुध, सबे वस्तु मिठिया पर रब ना पूजन दुध, नाम वर्गी कोई मिठी नहीं। उस दिन इस नूं बंदगी दा रस आउण लगा, बख्शिश हो गई, करम बख्शी। कहण लगे मां हुण तैनू मसले हेठ कुछ रखण दी लोड़ नहीं, हुण मैनूं यकीन हो गया। कहण लगी पुत्र फिर तू कामयाब हो गया, ते हुण खुदा तों बंदगी मंग। ओह मंगदा है सेख फरीद खैर,
मैं तेरे दर का भिखारी हाँ, दीजै बंदगी मैनु बंद की दे। यही गल भाई नंद लाल भी तो यही गल कहते, हवाए बंदगी आबुर्द दर बजूद मन, हवाए बंदगी आबुर्द दर बजूर मर, कहते मैनू केवल खुदा की बंदगी ही चाहती है, वगर ना योग यो नहीं आमदन ना बूद मरा, बंदगी तो बिना मेरा संसार विच आउण दा मकसद कोई नहीं। भाई नंद लाल साहब जी कहते मेघराज जी हो सहजधारी सिख, मैं कह सकता इन्होंने बड़ी कमाल की गजलों का टीका किया उन्होंने काव्य रचना, वो कहते भजन तेरे दी सिख असानू बिच संसार लियाई मेरे माही, भजन तेरे दी सिख असानू बिच संसार लियाई मेरे माही, नहीं तो इत्थे आवण दी सानू हरगिज लोड़ न काही, राम दुहाई रब दी दुहाई है, ते इत्थे आउण दा मकसद ही कोई नहीं सी बंदगी तो बिना, एक ही है रस, ये रस ना तू अंदर रस रारी, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर कि चर हर रस पले ना पाए, हर रस पाए पले, हर रस पाए पले पिया हर रस, जदों बुद्धि रूप पले दे विच नाम दा रस पा लिया फिर पिया हर रस, ये उन्हों गट गट के पीना कर, पहला रस तो हीणा ही वाहिगुरु 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 कही जाते रस नहीं होंगे, ओदे विचों फिर रस पैदा होएगा, रस उदों पैदा होना है जदों मन का पर्दा लह जाए, जीव के उत्ते बहुत बरीक गंढे दे जिहड़ा पतला जा पत्त होंगे ना, उहदे विच एक जे प्लास्टिक वांगू होंगे पतला जा, जे इस तरह का एक जीव के उत्ते प्लास्टिक का पोलरा चाढ़ दईए कुछ समय वास्ते, ये मिसरी की डली जीव के उत्ते रख दई है, तुम सियाने बैठे हो दसो भी उन्होंने पुछो भी तेन मिसरी का स्वाद आता है, वह कहना नहीं मिसरी तो तेरे मूँह च है, कहना मूँह च की कहना जीव के उत्ते पड़ता, जिनी देर तक मन के उत्ते कोई पड़ता है बंदगी का रस नहीं आता, उत्ते होमे का एक पड़ता है, फिर यह रस आएगा जरूर आएगा। तो इस करके या रस में मगन होत कृपा ते महा बिखिया थे, तो टुटना तो पे, इस करके फरमान कर दे। हाँ जी, बहुड़ना त्रिशना लग आए, बहुड़ दे पी बोड़ो मुड़के तेनू त्रिशना नहीं लगे, ते इस करके है सतगुरु महाराज साहब ने यह बंदगी करन दा तरीका दस्या है, एडी गुरबाणी मिठी है पर सुते पे दे मूँह नूं जे मिठा कोई पदार्थ ला दईए बुल्ला नूं उहनूं कोई रस नहीं, ना मिठे दा कसूर है ना बुल्लां दा कसूर है, सौण दा कसूर है सुता पे, जदों जागेगा बुल्लां दे जी फेरन लग जू, कहिंदा वी बड़ा सौण, ते मन पिया सुता, इंद्रे पए ने सुते, सारे टबरी सुता पिया है, इस करके नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया विस्माद, इस घर में कोई जागत रहे साबत वस्तु अपनी लहे, सगर सिहरी अपने रस माती, ये घर की खबर कोई नहीं, असी तो इंद्रिया के मगर लगे हुए हैं, इंद्रिया ने अपने अपने पास खिंची जाना है, अखां अपने वालों खिंचदिया, कन्न अपने वालों खिंचते हैं, जीभ अपने वालों खिंचती है, ये खिचा खिची दे विच बुरा हाल तो होया पाया इत्थे की, इस करके साडा हाल ये है, खिमा करनी किसी नूं ये बात सच्चाई जिहड़ी आ उहदी तासीर जिहड़ी आ कौड़ी है, इस करके कड़त्तन तो होएगी होगी, कालियां मिर्चां कदे मिठियां नहीं होंदियां पर वाहे नूं दूर कालियां मिर्चां कर, सानू एक सिख जग दे च बहुतियां नूं सारिआं नूं नहीं, मैं कह सकदा सारिआं नूं एक चस्का पै गया भी गुरु दे उपदेश नूं गाउणा है ते गुरु दे उपदेश दा गाउण सुनना है, उपदेश नूं मनना नहीं, उपदेश नूं समझना नहीं,
कथा उपदेश नूं समझाउंदी है ते कीर्तन उपदेश नूं गायन करदा है। अधियां चीजां दा पता नहीं हुंदा। मैनूं इक गल रागी हरजिंदर सिंह जी श्री नगर वाले बहुत गुरुंख प्यारे, चलो बड़ा आदर सारे रागी सिंह साहिबान आदर दिंदे है। बड़ी हीरियां दे मुल दी गल सुनाई इक दिन भाई साहब, और वह टेप भी होई भी। वह कहिंदे एक दिन मैनूं नौजवान मिलिया, उहनूं कहिंदा भाई साहब जी मैं थोड़ा बड़ा फैन है, चलो बच्चों नूं इहो जिहे शब्द बोलण दा शौक है, मैं बड़ा फैन हाँ थोड़ा, मैं तुहाडियां 400 कैसटां जिहड़ियां कीर्तन दियां सुणियां बड़ा ही आनंद आउंदा। मैं कहिंदा गड्डी चलाउंदा मेरा सिर वी ऐं घौंदा हुंदा जदों कहिंदा तुसीं कीर्तन करदे हो। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੋਤਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਟੇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਨ 'ਤੇ ਸੱਪ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਓ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਸਾਤਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਅਸਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਥਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਕਿਤੇ ਲੇਖੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗਾਵੋ ਪੜੋ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੋਥੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਘੂਰ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੂਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਬਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤਕਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਥੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਥੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਨਾਮ ਕਰਮੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ
कर्म बख्शी है गुरु की कृपा जो गुरु कृपा जी नरको के लिए वाहेगुरु की बख्श नाल मिलता है सतगुरु मिले जिस आए बख्शिश उन्हों मिले जिन्हों सतगुरु आके मिल जान कह नानक होर अन रस सब विसरे महाराज कहते होर सारे रस जेड़े ओ फिर विसर जांदे ने भुल जांदे ने जीव नू जा हर वसै मन आए जदों हरि परमेश्वर अंतस्करण दे विच आ करके कित्थों आउणा है कोई दूर गया होवे तां ही कहिंदे वी आ गया फलाना ये गया होया पदार्थां च यह गया हो विषय विकारा फिर उतो मुड़िया हों फिर यह रस इन प्राप्त होंगे है ए शरीरा मेरिया हूँ महाराज साहब जी इंद्रिय की बात जी करके हम शरीर न कहें ये शरीरा मेरिया हे मेरे शरीरा हर तुम मह जोत रखी हे शरीरा ये याद रख तू मुरदा है कुछ नहीं है तेरे पले तेरे बिच परमात्मा ने अपनी प्रतक जोत रखी है जदों अपनी जोत वापस ले लैंदा ते तू मिर्द मुर्दे दा मुर्दा ही है तेरे पले कुछ नहीं है ये शरीरां में हर तुम्हें जोत रखी जिहड़ी सारियां शरीरां दे विच जोत है ना परमात्मा दी प्रतक जोत कहने प्रति प्रति शरीरां दे विच है सब मैं जोत जोत है सोई उहदी बात बड़ी खुशी की बात है भी थोड़े विच विद्वान सज्जन बैठे जेड़े संसार खेत्र दे विच भी बड़िया बड़े अहुदेदार बैठे है आ वकील साहब साढ़े बैठे तो अंग्रेजी दी कथा सारी कर देंदे जिहड़ी मैं उत्थे मैं ग्लासगो पंजाबी च करदा सी गुरमुखी दे ये बात ही सारी कथा फिर इंग्लिश दे करदा सी कुछ बच्चे बड़े इन्हां नूं सुनना आउंदे सी क्योंकि वह इंग्लिश जानदे है पंजाबी नहीं जानदे ते शुक्र है दानियां दी इकत्रता है वैसे भी स्टेज पूरे वर्ल्ड च मनी हुई है ऐसी बात नहीं इतने बड़े बड़े विद्वान पहुँचते थोड़े को शरीर में इस शरीर ये उस वाहिगुरु ने अपनी जोत रखी है चेतन सत्ता रूप जोत रखी है तां संसार अगर जे वो अपनी जोत विच ना रखता कई बार गर्भ दे विचों जोत बाहर खिंच लैंदा ते मरिया होया बच्चा जन्म लैंदा तुम भी तो हो सकता सी उहनां च शुकराना क्यों नहीं करता उस तेरे बिच जोत रखी है ता तू जग मह आया ता ते इसलिए फिर तू संसार बिच आया है शरीर धार के हर जोत रखी तुद विच तुद तेरे विच उस वाहिगुरु ने प्रतक जोत रखी है चेतन सत्ता रखी है ताकत ओदी दित्ती है तेरे अखां विच ताकत ओदी देखण दी तेरे कन्नां विच ताकत ओदी सुणन दी तेरे जीभ विच ताकत ओदी बोलण दी तेरे हत्थां विच ताकत ओदी पकड़न दी तेरे पैरां विच ताकत ओदी चलण दी इन्ना कुछ लैके मनुख हो रहा फिर ये कह देने मैंने दत्ता कुछ नहीं उसने तेरे वर्गा मूर्ख कौन है दीने हस्त पाव करण नेत्र रसन इसे त्याग अवर संग ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नान काढ़ लियो प्रभु हाँ जी अगे चलो ता तू जग में आया ता ही संसार दे विच तू आया है संसार दे आउण दा यही कारण है ओदी चेतन सत्ता करके आया है हर आपे माता आपे पिता बड़ी गहरी बात ये बात बड़ी गहरी है इनू खोलदे आ भी ओ जिवें प्रोफेसर पूरन सिंह ने यह गल कही है कहिंदा रब एक गुंजलदार बुझारत रब एक गुंजलदार बुझारत रब एक गोरख धंदा पेच इस दियां खोलन लगियां काफर हो जाए बंदा सानू तो यही सोचा मेरी मां फलानी है मेरा पिता फलाना है पर महाराज कहते हर जी माता हर जी पिता हर जी हमारी वो प्रतपालक है साडा हर जी हमारी सार करे हम हर के बार कहें तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा महसूख कनेरे ते परमेश्वर वाहिगुरु आप माता पिता किस तरह है हर आपे माता आपे पिता ये बात नूं सिद्ध करन दे लई एकाग्रता ज्यादे चाहिए बच्चे दे जन्म देण विच माता उपादान कारण है जिहड़ा पिता है वह निमित कारण है निमित कारण उपादान कारण ये रौले च ना रह जा गल ये दो कारण की न ये सौखा जहा प्रवान है कि जिहड़ी मकड़ी है मकड़ी तो आम ही देखी है ना और पंजाब दे विच तां मकड़ी जिवें कहिंदे खेतां दे उत्ते जाला बिछा के
वैसे घर च भी जाला पाउंदे। जदों मकड़ी जाला तणदी है, मकड़ी ने कदे गुआंढियां तों सूत आधार नहीं लिया भी मैं ताणा बाणा तणना अपना ते मैं जाल तणना भी मैनूं सूत दे दिओ। अपने मूँह चो लेसदार थुक कढ़दी है, उहदे सारे उह छत दे नाल थुक ला के तंद कढ़दी चली जांदी, फिर चढ़ जांदी उह इधर नूं बुणती, इधर नूं बुणती, बुणदी चली जांदी है। वह मकड़ी जिहड़ी है जाले का उपादान कारण भी आप है, क्योंकि मटीरियल अंदरों कढ़िया होणा, निमित्त कारण भी आप है। उहदा सूखम शरीर निमित्त कारण है, अस्थूल शरीर उपादान कारण। परमात्मा संसार का निपा वो दो ही कारण बनते हैं, उपादान कारण भी आप है, निमित्त कारण भी आप। इस करके परमेश्वर वाहिगुरु संसार का हर आपे माता आपे पिता। हाँ जी बोलो। जिन जियो उपाय जगत दिखाया, जिसने जीवात्मा नु पैदा करके संसार दे दर्शन करा दते, संसार दिखा दता है। गुर प्रसाद बुझिया चलत हुआ, गुरु की कृपा दे नाल ए गल बुझ ली, अपने आपे नु जान लिया, तां फिर देखे भी इहदे चलत कौतक ही है। चलत नजरी आया, ए फिर चलत कौतक ही नजरी आया, कि बाजीगर डंक बजाए, सब खलक तमाशे आए, अपन तमाशा देखना आयो। मदारी दी न्याई परमात्मा आपे बाजीगर जैसे बाजी पाई, ना ना रूप एक दिखलाई, तो मदारी दी साखी सुनी सी पिछे। हाँ जी अगे। कह नानक सृष्टि का मूल रचिया, मारे कहिंदे सृष्टि दा मूल जेड़ा है मुड ओ रचिया पहला, ओ की है स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। संसार दा मुड अज्ञान है, इतों संसार जमया, साडियां जड़ां अज्ञान दे विच ना। इस करके अज्ञाने लाए सवालिया, गुरु ज्ञाने लाए जगावे गो, ये मुड़ रचिया, संसार का मूल रचिया, ये उस वाहिगुरु ने रचना है। अज्ञान भी उसे ने रचिया भाई, संसार रचना सी, अज्ञान तो बिना संसार नहीं चल सकता। तो इस करके क्या है, हाँ जी, जोत राखी ता तू जग में आया, हाँ तेरे विच प्रतक जोत रखी ता तू संसार दे विच आया है। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हुण प्रकरण बदल गया, हुण इह है कहिंदे भी जिस वेला बोल अगे पौत पौत नाल अर्थ इकट्ठा है, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बणिया, ते कहिंदे भी इस गल दी समझ आ गई, की समझ आ गई, कहिंदे इह समझ आ गई भी जिहड़ा इह शरीर है इह इक मंदिर दी न्याणी, इह गल समझ आ। मंदिर दी इक अपनी मर्यादा है, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरद्वारा हो, इहदी इक मर्यादा है कि मंदिर दे विच कोई मास लै के नहीं आ सकता, कोई शराब लै के नहीं आ सकता, यह मंदिर की मर्यादा है। जुत्तियां लै के नहीं आ सकता, यह मर्यादा। तो शरीर जिहड़ा इह मंदिर है, ये वाहिगुरु का साजिया हो। कहिंदे इह गल जदों समझ आई कि शरीर रूपी मंदिर जिहड़ा साजिया किवें परमात्मा ने, जदों आपां मकान बनाउने आ ते मकान बनाउण दा मकसद की है कि उहदे विच निवास करांगे, यही मकसद है। परमात्मा ने 84 लख जूनां दे अंदर इक्को ही मनुख शरीर अपने रहण दा मंदिर बनाया, पर असी मंदिर नूं बिगाड़न दी कोई कसर नहीं छड्डी। मंदिर च उह चीज़ां रखियां जिहड़ियां रब नूं पसंद नहीं, इस करके आउंदा ही नहीं उह मंदिर दे विच, जिन्नियां मर्जी वादां मारी जाओ। मंदिर नूं तां साफ रखना सी, असी बिगाड़ लिया। कहिंदे जिस वेले मैं इह गुरु दे कोलों सुनिया, सिख कहिंदा मेरे समझ आ गई कि मेरा शरीर तां रब दी मिलन दा वह मंदिर है, तो मैं तो मंदिर के दरवाजे ते पहुँच गया। 84 लख जोनां तके खांदा खांदा मंदिर तक मसा पहुँचया, मैं इस मंदिर दे विच परमात्मा है, उन्हें मिलना है, उहदे मिलन वास्ते जिवें कोई कहे भी जे मैं मिलना वह तू फलाने थां आ जा, मैं उत्थे आऊंगा। परमात्मा ने मनुख शरीर रब दे मिलन वास्ते मंदिर बनाया, पर यह मंदिर का मालक चाहुंदा ही नहीं जीव आत्मा जिहड़ा ना। कहिंदे जदों मैं सुनिया कि रब दे मिलन लई मंदिर बनाया है, मन चाओ पिया, मेरे मन च उत्साह पैदा हो गया, हुण तां रब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मंदिर मिल गया,
मन मंदिर में दीपक जल गया, ज्ञान का दीवा जग गया, अंधेरे च थोड़ी कोई किसी एक दूजे मिल सकता। इस करके मन चौ पिया रब आगम सुनिया, रब का आना सुन लिया भी मनुखा शरीर दे विच मिलदा है। हर मंगल गाओ सखी, ते हुण दे इंद्रियां नूं कहिंदे आ सखियो, हे नेत्रियो, हे रसना, तुसी सखियो मेरियां। अंतर गुर आराधना जे बाजा गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्य दरगा पाई अठाओ। इस करके हर मंगल गाओ सखी, हे मेरे देह इंद्रियां सखियां, तुसी मंगल नाम खुशी दे गीत होंदे जिवें ब्याह च गाए जांदे। ते इसे तरह यह मंगल रब दा जस खुशियां दे गीत गा, क्योंकि ओहदे वास्ते बनिया है गृह मंदिर, बनिया इहो गृह घर यही मंदिर है। हर जू हर मंदिर साजिया, रखिया हुक्म सवार, ओहदे हुक्म सवार रखिया। इसका हर मंदिर यह शरीर है, ये हरी दा मंदिर है जिहड़ा शरीर है, जिथों प्रभ जाता जिथों प्रभ जाने जाना है। हाँ जी, हर गाओ मंगल नित सखिए, हे दे इंद्रियां, इंद्रियां सखियां नूं कहा के तुसी गवई ओदे जस नूं गाउणा करो जी। सोग दुख ना व्यापे, जिथे सोग गम दुख जमण मरण दा ए व्यापे ना, मुड़ के जमण मरण च ना पैणा पवे जी। गुर चरण लागे दिन सुभागे, जिस दिन गुरु दे चरणे लग गया सिख, ओ दिन फिर भागा वाला है, श्रेष्ठ भागा वाला है। ते इस करके गुर चरण लागे, गुर के चरण जीव का निस्तारा, सुमंद सागर जिन खेन में तारा, चरण बहुत प्रभ दित्तिया ने, चरण जहाज दी न्याई ओ प्राप्त हो गए। अपना फिर जापे, अपना फिर पति परमात्मा ओ जानिया जांदा है। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हद तो रहत जिहदी हद कोई नहीं, ओ अनहद दूसरे भी जोगियां वाले, तातां तीबत चरम का करम कंसी का जान, नाद सब घट को कह स्वाद सुगुर पहचान। ये इधर सास जी अनहद हद तो रहत शब्द का बजना अनहद शब्द है, अनहद बाणी ते हद तो रहत परमात्मा दे जनाउण वाली ए बाणी है। अनहद बाणी गुर शब्द जाणी, गुरु दे शब्द द्वारा जाण हुंदी है। हर नाम हर रस भोगो, हरी परमेश्वर दे नाम दा रस भोगो, आनंद माणो नाम दा सिमरन करके। कह नानक प्रभ आप मिलिया, ते गुरु अमरदास जी कहंदे ने प्रभु आप आके मिलेगा। तुसी मंदिर दी सफाई तां करो, तुसी मंदिर दा दरवाजा तां खोलो, एदे च आस अंदेसा दोए पट जुड़े, इहनूं खोलो तां सही जरा कर, रब आउण नूं तैयार है, तूं बूहे बंद करके दा तुसी बैठे हो। इस करके कहा है कारण कारण जोगो, ओ करण ते कारण, करण कारण प्रवेश, ओ निमित कारण भी उपादान कारण भी आप ही है। इस करके कहा ओ परमेश्वर वाहिगुरु कह नानक प्रभ आप मिलिया। बस जी, करण कारण योगो, करण कारण दे योग समर्थ है, ऐसा वाहिगुरु है। आओ इत समाप्ति है जी, ढाडी सिंह साहिबान आप अगे निहाल करे, इस तरह का समानना मन बिरतियाँ एकाग्र करके गुरु कृपा करे। आओ इत समाप्ति। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभु आप मिलिया, करण कारण जोगो। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राण नाथ अनाथ सखे निवार, समर्थ अगम पूरन मोहे माया, अंधकूप महापयान नानक पार उतार, आए प्रभु शरणागति कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहार, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो सरदा कर सेव दे पार उतारन, जो सरदा कर सेव दे पार उतारन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।